हमने थाना में तो जोरदार मनाया, खोखे की होली की, घोषणाबाजी की, और मैं उधर से ही अब इधर आ रहा हूँ। देखो पुलिस के सामने नहीं अलाउ किया जा रहा है, पुलिस को आगे करके तुम आंदोलन दबा नहीं सकते हो। कोई भी आंदोलन दबाने का जो परिणाम होता है वो आज नहीं दिखेगा, वो बाद में दिखेगा। नीतीश राणा कह रहे हैं कि आज गद्दार दिवस है, इसे आंदोलन कराने परवानगी दिल्ली जाते हैं। वो क्या बोल रहा है, वो क्या, वो क्या ठाकरे का बर्थडे है, वो गद्दार परवानगी दिल्ली जाते हैं। सर परवानगी दिल्ली जाते हैं आंदोलन कराने, आंदोलन करायला परवानगी न देणे हा म्हणजे या सरकारचा घाबरटपणा आहे। ये सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। हमसे भी, हमको भी पुलिस से दुश्मनी नहीं लेनी है, वो बेचारे क्या करेंगे, उनके सर का पसीना देखिए। सरकारी आदेश है, कहीं ना कहीं तानाशाही, सरकारी आदेश है ये, सरकारी आदेश है ये, तानाशाही है। मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं आप, लगातार लड़ते रहेंगे। पुलिस परवानगी देत नाही, परवानगी लोकशाही मध्ये आंदोलन करणं हा जनतेचा आणि खास करून आम्ही ज्या पक्षात आहोत त्या पक्षाचा अधिकार आहे। काय करू शकतात, जास्तीत जास्त इथनं नेऊन जेल मध्ये ठेवू शकतात, ह्याच्यापेक्षा जास्त पोलीस काहीच करू शकत नाही। आणि मी जेलला इथनं जायला तयार आहे। पोलिसांचं असं म्हणणं आहे, चारपेक्षा जास्त लोकांनी, मी नाहीच आहे, मी चारपेक्षा अधिक नाही, मी एकटाच पोलीस घेताना पाहिलं, मी चारपेक्षा अधिक आलेलोच नाही, मी एकटाच आलो आहे। भारत का गौरव 9 साल में कितना बड़ा हुआ हमने देखा है। महंगाई के बारे में बात करो, नौकरियों के बारे में बात करो, स्त्री सुरक्षा के बारे में बात करो, नौजवान की शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात करो, और फिर भारत कितना आगे गया वो देख लो। उनके दौरे से फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसको फर्क पड़ेगा, बिडेन को थोड़ा खाना खिलाना पड़ेगा, बस उतना ही होगा। मणिपुर के हालात को लेकर लगातार देखो ऐसा है, मणिपुर के जो हालात है उससे देश को शर्म आनी चाहिए। हम लोग जो मुद्दे है ही नहीं उन मुद्दों को मुद्दा बना रहे हैं। मणिपुर पे रस्ते पे लोगों को काटा जा रहा है, काटा जा रहा है। ये जो बता रहे हैं वो संख्या बहुत कम है, लेकिन मणिपुर में जितने लोगों मारे गए हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। और भारत में ऐसा नरसंहार कभी नहीं हुआ था। नाही, असं आहे की आजचा दिवस गद्दार दिवस, खोके दिवस हे कोणी कोणाला सांगण्याचा गरज नाही हो। नुसतं खोका दाखवलं की लोक म्हणतात 50 खोके, आता त्याला काय करणार। मी स्टेजवर गेलो त्या दिवशी तर बंबा बम 50 खोके एकदम ओके। संजय राऊत स्टेजवर गेले की 50 खोके एकदम ओके, त्याला काय करणार। जनतेच्या इथे फिट बसवलंय, फिट 50 खोके, आणि सूर्याजी पिसाळ दिसले की अजून चेतावतात ते। सह्याद्रीची उंची म्हणजे 24 तास।